का खवातीन के वरासती हुकूक और बच्चों पर तशद्दुद से मुतालिक बिल लाने का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने खवातीन के लिए वरासती हुकूक बच्चों से ज्यादती से मुतालिक बिल समेत कई असलाहत की मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम मजनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला मौकर कर दिया गया। वजीर आजम के जेर सदारत वफाकी काबीना का अजलास खत्म हुआ, जिसमे इमरान खान के दौराए चीन को कामयाब करार दिया गया, जबकि कई कवानीन और ECL से कई फैसले की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद में मावन खसूसी बराए तलाक फिरदोस आशिक अवान ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि काबीना ने वजीर आजम को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद दी है। काबीना के इजलास में 13 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। ML1 और गुर्बत के खात्मे से मुतालिक मुहैदे किए गए। दौराए चीन में बहामी तजारत के फरोग और दीगर अहम अमवार जेरे गौर किए गए। काबीना इजलास में लीगल एंड जस्टिस अथॉरिटी के कयाम का फैसला किया गया। मामून खसूसी ने मजीद बताया कि रमजान में दफ्तर के औकात सुबह 10 से शाम 4 बजे होंगे। मामून खसूसी बराए तलाक का कहना था कि इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बिल ला रहे हैं। विरासत में खवातीन के लिए कानूनी तहफ्फुज होगा। अवाम को बर वक्त और फौरी इंसाफ यकीनी बनाना है। मुल्क में 70 साल से करप्शन की दास्तानें हैं। फिरदोस आशिक अवान ने बताया कि लोग तहरीक इंसाफ से तवक्का करते हैं कि वो करप्शन खत्म करे। करप्शन के हवाले से मालूमात देने वाले को तहफ्फुज दिया जाएगा।